हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज की वैकेंसी जो आपके सामने मैं लेके आया हूँ बहुत ही खास रहने वाली है, बहुत ही यूनिक रहने वाली है। आपका मन इतना खुश हो जाएगा कि आप लाइक किए बिना जाइएगा ही नहीं। दोस्तों, आज की वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर्स वालों के लिए बम्पर हायरिंग निकल के आ रही है टाटा के अंदर। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं डेली या अल्टरनेट डे टाटा की रिगार्डिंग वैकेंसी क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि टाटा इतनी सारी वैकेंसी लेके आ रहा है आपके लिए। अगर मैं आपके सामने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा हूँ तो आपका क्या काम बनता है, सिर्फ एक बार लाइक कर देना है वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, अपने दोस्तों तक जरूर बताना है। दोस्तों जी हाँ, यहाँ डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एलिजिबल है। अब आप बोलेंगे कि बीटेक और डिप्लोमा दोनों एक जगह कैसे एलिजिबल है। जी हाँ, एलिजिबल है, फ्रेशर्स वाले भी एलिजिबल हैं। लेकिन पता कैसे लगेगा, कैसे आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ फ्रेशर वाले एलिजिबल है, कहाँ एक्सपीरियंस वाले, उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, ध्यान से देखना होगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट देखना होगा। दोस्तों, हर एक वीडियो में मैं छोटी छोटी बात आपके सामने लेके आता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट जो है कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच नेम या फिर आपको क्वेरी क्या है वो जरूर मेंशन करते जाएं। इन सब का लिंक कहाँ मिलेगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सारा डाटा, सारा इन्फॉर्मेशन अपलोड करता हूँ। कवर लेटर भी, रिज्यूम फॉर्मेट भी, हर जगह मैंने टाटा अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम पे जाइए और जल्दी से जल्दी वहाँ जाके एक बार साइन अप करके, या साइन कुछ भी ना कीजिए लेकिन खाली एक बार जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी या फिर आपके लिए ऐसे रिज्यूम मैं ऑलवेज लाता रहूँगा। बस आपसे इतनी ही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी उसको जाके एक बार देख लीजिए, अपॉर्चुनिटी आपके लिए होती है। ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई आने के चांसेस होंगे। प्लस अगर आपसे कोई भी जॉब के अगेंस्ट में पैसों की डिमांड करता है, मनी की डिमांड करता है, तो याद रखिएगा उसे कभी एक रुपया भी नहीं देना है। जी हाँ, एक रुपीज भी अगर आप उसे देते हैं तो आप अपना लॉस करेंगे, क्योंकि जो आपसे पैसे लेगा वो कभी आपको जॉब नहीं देगा, ये मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूं। तो इसीलिए आप जल्दी से जल्दी जाइए और जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में 100% प्लेसमेंट गारंटी के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू डायरेक्टली 100% जॉब पा सकते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, कैसे आपकी जॉब लगेगी, कहां लगेगी। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता कि क्या आपने कभी पहले सुना है कि आपका 350% हाइक हो सकता है, कितना, अप टू 44 लाख तक आपका पैकेज जा सकता है अप टू। जी हाँ, ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है। ये कैसे सच है, कैसे आप इसको क्लियर कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये जो है ये है रिलेवल बाय अनअकैडमी के थ्रू। दोस्तों, एक तो आपको 100% जॉब की गारंटी मिलेगी, 100% जॉब की गारंटी, जो कोई आपको देगा वो सिर्फ और सिर्फ ये रिलेवल बाय अनअकैडमी ऐसा प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, यहाँ इन्होंने 1500+ जॉब ऑफर अभी तक डिलीवर कर चुके हैं, और इसके साथ साथ ये जो है 10 कैटेगरीज में, डिफरेंट कैटेगरीज में टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। दोस्तों, कुछ नहीं करना है, यहाँ फ्री टेस्ट देना है आपको जाके इस पे। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि हमें उस टेस्ट के बारे में पता नहीं होता है, तो आप इनके कोर्सेज के थ्रू, कोर्सेज की हेल्प से डायरेक्टली अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हैं, और दोस्तों टेस्ट के बाद आप क्लियर हो जाएंगे और 100% आपको जॉब गारंटी मिलेगी। समटाइम्स क्या होता है कि आपको, आपने जो है कोर्सेज लिए और कोर्सेज में आपको पेमेंट प्रोटेक्शन नहीं लग रही है, तो ये जो है आपसे पेमेंट प्रोटेक्शन प्लान भी दे रहे हैं। दोस्तों, जिसमें आपको 50% अगर आपकी जॉब नहीं लगती है, आपको 50% कोर्सेज का फीस बिल्कुल रिटर्न हो जाएगी, और आपको 100% जॉब मिलेगी, 100% गारंटी प्लेसमेंट, जो कि वादा कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे हाईली रिकमेंडेड करूंगा कि जल्दी से जल्दी जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, क्योंकि रिलेवल बाय अनअकैडमी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो आपके लिए बहुत फायदे की बात है। जल्दी से जल्दी जाके साइन अप कर लें और जल्दी से जल्दी यहाँ जॉब पाके आगे बढ़ जाए। मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ये बिल्कुल फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों के लिए है। दोस्तों, डायरेक्ट वॉक इन रहने वाला है। अब ये किस में है, ये टाटा एडवांस सिस्टम में है। इसकी लास्ट डेट क्या है उसके बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, 12 तारीख लास्ट डेट है, एकदम से आज ही 2 वैकेंसी निकल के आ रही है, ये 2 घंटे पहले आई है, और ये आई है कुल 1 घंटे पहले, मतलब ये कुल 40 से 50 मिनट पहले वैकेंसी आई है। आपको मैं बताऊं कि इसे अप्लाई करने वाले भी ज़्यादा बंदे नहीं है,
हैं, तो आपसे इतना ही है, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप अप्लाई करेंगे तो रिप्लाई आएगा, इसका लिंक कहाँ मिलेगा, कैसे आपको देखना है, मैं सभी के बारे में बताऊंगा। अगर उससे पहले कर लेते हैं पूरी वैकेंसी की बात कि कौन कौन कैसे कैसे एलिजिबल है, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ फ्रेशर वाले कौन कौन एलिजिबल है, कहाँ एलिजिबल है उनके बारे में भी बताऊंगा, एक्सपीरियंस वाले कहाँ एलिजिबल है उनके बारे में भी बताऊंगा, प्लस अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये जो पहला नोटिफिकेशन इनका आ रहा है, टाटा एडवांस सिस्टम डायरेक्ट वॉक इन ड्राइव है, 12 और 13 नवंबर को इंटरव्यू डेट है, सुबह 9 AM से 6 बजे तक रहने वाली है। एड्रेस क्या दिया है, कोयंबटूर का एड्रेस दिया है। दोस्तों इन्होंने क्या मांगा है, स्टील शीट मेटल मशीन ट्यूब्स मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर बीटेक डिप्लोमा मांगा है, आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी है या 4 ईयर का एक्सपीरियंस भी है, आप एलिजिबल हैं। 2 साल से 4 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, एक्सपीरियंस ऑन प्रोसेस शीट क्रिएशन रॉ मटेरियल एस्टीमेशन। अब सबसे पहले आप जान लीजिए, उसके बाद में इनमें ब्रांचेस बताऊंगा कौन कौन सी एलिजिबल है। दूसरी है टूल डिजाइनर, टूल डिजाइनर में दोस्तों वही 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस है। तीसरा है NC प्रोग्रामर, बीटेक डिप्लोमा मांगा है। चौथा है क्वालिटी एंड सप्लायर क्वालिटी इंस्पेक्टर, बीटेक डिप्लोमा मांगा है 2 से 4 साल का। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए जो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर है, इसमें आपको चाहिएगा सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट जो है टूल डिजाइनर में, टूल डिजाइनर में आपको चाहिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल CS और IT। दोबारा सुन लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आई है तो 5 सेकंड वीडियो को बैक कीजिएगा और फिर देखिएगा। नेक्स्ट जो है NC प्रोग्रामर में, इसमें चाहिएगा CS IT इसके साथ साथ ECE। इसके साथ नेक्स्ट है क्वालिटी सप्लाई इंस्पेक्टर, क्वालिटी सप्लाई इंस्पेक्टर में आपको चाहिएगा सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन, ये ब्रांचेस इसमें चाहिएगी। दोस्तों इसमें आपको मेल करना है, कैसे अप्लाई करना है, दोस्तों इसमें आपको मेल करने के लिए इन्होंने दिया है recruitment@TSEL.aero पे आपको रख देना है, और सब्जेक्ट में लिखना है किस रोल के लिए आप करना चाहते हैं। आप सिविल के लिए जाना चाहते हैं, आप मैकेनिकल के लिए जाना चाहते हैं, आप जिस भी रोल के लिए जाना चाहते हैं यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। इसका लिंक मैं पूरा का पूरा अपने डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको कमेंट सेक्शन में या फिर आपको वेबसाइट पर हर जगह मेंशन कर दूंगा, वहाँ जाके इजिली देख लीजिएगा। अगर बात कर लेते हैं कि इसको कैसे, दूसरा क्या है, ये तो हो गई एक वैकेंसी, दूसरी अगर देख लेते हैं, दूसरी है फ्रेशर वालों के लिए भी वैकेंसी है। दोस्तों इन्होंने ये दिया है, जहां आपको मैं बताऊं कि इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है, और इसमें फ्रेशर वाले इन्होंने डायरेक्टली बोला है, और ये यूपी नोएडा में रहने वाली है आपकी वर्क लोकेशन, जी हाँ यूपी में रहने वाली है, और इन्होंने साफ साफ बोला है कि इसमें फ्रेशर वाले अप्लाई कर सकते हैं। 2021 और 2022 पास आउट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, नोएडा यूपी में रहने वाली है, डेट 12/11 को, और ये 9:30 बजे होने वाला है, और ये हायरिंग कर रहे हैं डायरेक्ट। जॉब रोल नेटवर्किंग प्रोफाइल रिक्रूटमेंट, दोस्तों इन्होंने साफ मेंशन किया है BE BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ फ्रेशर वाले किसी भी ब्रांच से हो वो भी अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि देखिए समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। तो इसको अप्लाई कैसे करना है, दोस्तों इसको अप्लाई करने का इन्होंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जो कि मैं आपको अपनी वेबसाइट पर डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा। इन्होंने रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाली है 12 नवंबर को, नेम डेट ऑफ बर्थ क्वालिफिकेशन मेंशन कर देनी है, इसके साथ साथ एक्सपीरियंस करंट एम्प्लॉयर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस प्रेफर्ड लोकेशन CTC क्या होती है, कॉस्ट टू कंपनी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। डू यू अटेंड इंटरव्यू इन नोएडा 12 अक्टूबर को, तो आप अगर कर्स करना चाहते हैं तो यस कीजिएगा, और यस, और दोस्तों आप इंटरव्यू जरूर जाके दें अगर यहाँ एलिजिबल है। इसके साथ साथ आप सिविल मैकेनिकल या किसी भी ब्रांच से हैं, एक दो काम जरूर कीजिएगा, एक तो डिस्क्रिप्शन में जो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा, इसको अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। इसका लिंक भी मैं आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। और अब आपको जो पहले वाला मैंने आपको मेल आईडी बताई थी, जो दूसरी वैकेंसी के रिगार्डिंग मैंने मेल आईडी आपको बताई है, जिसमें आपको इस पे मेल करना है recruitment@TSEL.aero पे, ये कैसे मेल करना है उसके बारे में भी बता देता हूँ। इसका फॉर्म भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और जो जिसके 3 साल से ज़्यादा का है उसका ये वाला है, उसको यहाँ अप्लाई करना है, और जो फ्रेशर है उसको ये वाला फॉर्म सबमिट करके अप्लाई कर देना है। बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आ रही है, और जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है टेलीग्राम के थ्रू।
दोस्तों उसके बाद आना है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, मेरी वेबसाइट पे, हर जगह आपको मिल जाएगा। यहाँ आके आपको यहाँ ऊपर ही पिन मैसेज का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ आपको रिज्यूम फॉर्मेट भी मिल जाएगा। रिज्यूम फॉर्मेट के साथ साथ जो अगर आप देखेंगे यहाँ आपको कवर लेटर भी मिल जाएगा। कवर लेटर जो होता है अपने आप में क्या चीज़ होती है, कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर लेना, इसको बोलते हैं कवर लेटर। कवर लेटर का क्या काम होता है, मैंडेटरी क्या काम होता है दोस्तों, पहले क्या होता था कि आपका सीवी जो है इन हैंड देना पड़ता था, बट आज के टाइम में हर चीज कवर लेटर के साथ, मतलब आपका रिज्यूम बहुत कम बंदे पढ़ते हैं बट कवर लेटर हर एक बंदा पढ़ता है। तो आप जो है इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा और जल्दी से जल्दी, अगर आपके पास दूसरा कवर लेटर है तो आप मेरे से शेयर भी कर सकते हैं। अगर मेरे को अच्छा लगेगा मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर आपका नाम लेके आपको क्रेडिट करके दूंगा उसको। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो कंटेंट है, आपके पास सीवीज है जो है दुनिया की हेल्प करनी है हमें, तो आप हेल्प जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको आना है उसके बाद मेरे मेल सेक्शन में, या फिर आपको जो अब जो भी आपका मेल सेक्शन है उसमें जाना है। वो कवर लेटर जो कॉपी किया था उसको यहाँ पुट अप कर देना है। देखिए सब्जेक्ट में याद रखिएगा कि आपकी ब्रांचेस कौन सी है, रिगार्डिंग वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। अब डियर सर ऑब्लिक मैम ऐसे, और ये जो है पूरा का पूरा ही बहुत ही अच्छा है। आप डिप्लोमा, बीटेक, प्लेस ऑफ नेम, कॉलेज, ये सभी आपको मेंशन कर देना है जो भी वहां लिखा है। और इसको आपको जो आपको मेल आईडी मैंने बताई वहां, जो मैं वीडियो बता रहा था उसमें जो मेल आईडी बताई है उसको आपको टू में रख के फॉरवर्ड कर देना है। किसके पास भेज देना है, उसके पास भेज देना है जो आपको मेल आईडी दी है। याद रखिएगा इसके साथ साथ अपना सीवी मतलब अपना बायोडाटा या फिर कोई भी अपना डेट, वो सारा आपको अपलोड कर देना है। किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम होती है आई एम ऑलवेज विद यू। बट आपसे एक और चीज़ की रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मॉनिस्टर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है उस पर जल्दी से जल्दी मॉनिस्टर ऐप को डाउनलोड कर दे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मॉनिस्टर का मिल जाएगा। तो ये थी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।